आज हमारे साथ कृष्ण कुमार हैं और कृष्ण कुमार रहते हैं बिहार में और अभी स्टडी कर रहे हैं हरियाणा में कहीं। तो इनका 6 महीने पहले दांत जो है किसी का हाथ लगने से टूट गया था, घुटना लग गया था। लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे थे? नहीं, खेल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो है इनका जो है फ्रंट का दांत टूट गया। अब भैया इतनी यंग अवस्था में फ्रंट का दांत जो है गिर जाए तो थोड़ा सा खराब तो लगता ही है ना देखने में। हाँ, तो ये है ये हमारे पास, तो हमने कहा जो है ना आपको इम्प्लांट लगा के दांत जो है लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सुंदरता वैसी हो जाएगी, मजबूती भी वैसी हो जाएगी जैसा आपका प्राकृतिक दांत था। ठीक है, इम्प्लांट लग गया, दांत लग गया, कैसा लग रहा है? थोड़ा अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ। हमारा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, बढ़िया है। आज देखिए दांत भी अच्छा लग रहा है। कोई बहुत दर्द, तकलीफ, सूजन, परेशानी ऐसा कुछ तो नहीं हुआ इम्प्लांट लगवाने में? वही ज्यादा तकलीफ दिक्कत नहीं है, बस वही घर जाके गए सूजन आ गई हो, कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तो नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इनका 2 स्टेज में हुआ है, मैं बता दूं। पहले इन्होंने इम्प्लांट लगवाया, उसके बाद आकर जब इम्प्लांट पक्का हो गया तब इन्होंने दांत लगवाया। तो जो दांत बनाया वो हमने अपने कैडकैम सिस्टम से बनाया, हम अलग अलग ऑप्शन देते हैं, ठीक है, बेहतर क्वालिटी के दांत बना के दिया जो हमारे पास डिजिटल सिस्टम, उससे स्कैन करके। और जो है तो कैसा लगा दांत? अच्छा लगा, जैसा उम्मीद थी वैसा हो गया? हाँ जी सर। हैं? हाँ जी सर, हो गया ना? ये शर्माते बहुत है। हो गया सर, अच्छा। लेकिन सर यही है कि कॉस्टली बहुत ज्यादा पड़ा है। इम्प्लांट का जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता दूं, जो जनरल ट्रीटमेंट है जैसे जो नॉर्मल दांत में मसाला भरवाना, ब्रिज लगवाना, निकालने लाने दांत लगवाना, उन सबसे इम्प्लांट का ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में महंगा है। ठीक है, जहां पे भी इम्प्लांट जुड़ गया, आप समझ रहे, इम्प्लांट या ट्रांसप्लांट, वो तकनीक महंगी हो जाती है। घुटने का इम्प्लांट करा लीजिए, हार्ट का ट्रांसप्लांट करा लीजिए, किडनी का जो है ट्रांसप्लांट करा लीजिए, है ना, दांत का इम्प्लांट करा लीजिए, जहां इम्प्लांट हो गया वो महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके जो अपने टिश्यू है उसके अंदर कोई चीज डाली जा रही है जो कि इंट्रीगेट हो रही है, वैसा फंक्शन कर रही है जो आपका प्राकृतिक चीज कर रही थी, आप समझ रहे। तो डेंटल इम्प्लांट ऐसा नहीं है कि कोई भी स्क्रू उठाया और लगा दिया और आपके काम कर जाएगा, नहीं, उसकी सतह ऐसी बनाई जाती है, बहुत रिसर्च होती है, डिजाइन और सतह ऐसी बनाई जाती है जिससे कि आपकी हड्डी की जो कोशिका है उसको पकड़े, आप समझ। नहीं तो ऐसा इम्प्लांट इसी तरह दिखने वाले जो जबड़े फ्रैक्चर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या हड्डी वाले डॉक्टर जो है हड्डी जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्क्रू, वो भी टाइटेनियम के बने होते हैं, लेकिन उनको 6 महीने बाद पकड़ेंगे तो ये निकल आएंगे क्योंकि वो हड्डी को पकड़ते नहीं है। इनका सरफेस ट्रीटमेंट इस तरीके से होता है कि हड्डी को पकड़ते हैं और इसको बॉन्ड करना जरूरी है क्योंकि लोड बियरिंग इम्प्लांट है, वो लोड बियरिंग इम्प्लांट नहीं होते, तो इसीलिए ट्रीटमेंट महंगा हो जाता है। इसके अंदर फिर कनेक्शन बनाना, इसके दुनिया भर के कंपोनेंट बनाना, फिर कैडकैम सिस्टम से कैप लगाना, कैडकैम सिस्टम अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, बहुत सारी मशीन लगती है, बहुत सारी तकनीक लगती है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, डिजाइनिंग जो आपके स्कैनिंग स्कैनर्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये सब जो है ना अमेरिका यूरोप में बड़ा महंगा है। जो आज आप यहां ले रहे हो इसका जो कॉस्ट है, वीडियो माध्यम से लोग जो अमेरिका यूरोप में देख रहे हैं वो बता देंगे, $4,500 इम्प्लांट का वो लगता है, चार्ज लगता है, जो आप यहां ले रहे हैं उसको $4,500 का मतलब आप समझे तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए का ये इलाज है जो आपको 30 से 35-40 हजार रुपए खर्च करने में महंगा लग रहा है, क्यों? आपकी 10वीं कॉस्ट है, तकनीक आप वही ले रहे हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है, वो भी आपने कुछ बहुत महंगा वाला नहीं है, और महंगा कराए तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे पास, बहुत बहुत महंगे हैं, तो क्या है, लेकिन फिर भी हम तो कहते हैं 1 लाख रुपए का करिए, लेकिन फिर भी तो 3.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए फर्क है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर सस्ता है। लेकिन क्या करें, जो चीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही तो अमेरिका में इस्तेमाल हो रही है, वही तो यूरोप में इस्तेमाल हो रही है, तो वहां महंगी है यहां सस्ती है, तो यहां सस्ता कौन है? डॉक्टर सस्ता है। तो हम तो अपना जितना कम कर सकते हैं कर सकते हैं, कम फीस कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल और क्वालिटी ट्रीटमेंट की नहीं गिरा सकते, इसीलिए थोड़ा महंगा। लेकिन आप देख ही रहे, देखो आपके बिहार के भी पेशेंट हैं, महाराष्ट्र के भी पेशेंट हैं, गुजरात के भी पेशेंट हैं, सब जगह पेशेंट हैं, फुल माउथ के पेशेंट इम्प्लांट के हैं। तो यही है कि अच्छे जब महंगा, आप जैसे आप ब्रिज करवाते आसपास के दांतों को दो कटवाते, फिर 2 साल 4 साल वो चलता, फिर उन दांतों को भी निकलवाते, फिर उनमें भी इम्प्लांट करवाते, तो ये और महंगा हो जाता है, हो जाता। तो कहते हैं कि महंगा रो एक बार, महंगा रो एक बार, सस्ता रो बार बार, तो वो वाला हिसाब है, एक बार पैसे लगे लेकिन सुकून है कि हमारे आसपास के दांत डिस्टर्ब नहीं हुए हमारा दांत। इसीलिए मेरा फ्रंट का था, इसलिए हमने सोचा कि ब्रिज करवाने से बढ़िया कि इम्प्लांट ही करा ले। बिल्कुल सही सोचा, फ्रंट था तो इसलिए अब सोचा कि नहीं। बहुत सारे बच्चे ब्रिज करवा के फिर दांत खराब करवा लेते हैं, फिर ताउम्र उनके ऊपर या तो कैप पहनते हैं या वो दांत भी चले जाते हैं, फिर उन पर फिर इम्प्लांट लगवाते हैं, तो वही 3 गुना हो जाता है, पहले जो खर्च हुआ वो भी जाता है, परेशानी तकलीफ होती है वो अलग होती है।
ठीक है। चलो अभी ये बताओ, कॉस्ट एक तरफ छोड़ो, बाकी ट्रीटमेंट से संतुष्ट हो? हाँ, ट्रीटमेंट तो बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ है बस, तो कॉस्ट भूल जाओ, आज से 6 महीने बाद 2 महीने बाद भूल जाओगे कितने पैसे लगे थे, इलाज अच्छा चलेगा वो अच्छा है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अपना जाओ घर।